हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रांश में फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं कोलियापुरी, जहां सेकंड हैंड कमर्शियल गाड़ी, पिकअप गाड़ी मिलती है, जिसमें आपको बताने वाले हैं कितना किलोमीटर चला हुआ है, साथ ही प्राइस क्या है, साथ ही हम भैया ओनर से बात करेंगे। तो चलो ले कर चलते हैं आपको ओनर के पास। और ये एड्रेस है कोलियापुरी में है, दुर्ग से अगर आप चनखुरी रोड में आओगे तो कोलियापुरी पड़ता है, वहीं पर है एड्रेस। तो चलो ले कर चलते हैं, ओनर भैया से बात करेंगे। तो चलो हम अब भैया से बात करेंगे, ओनर भैया से। तो भैया आपका नाम क्या है? भूपेश साहू। भूपेश साहू जी भैया। और ये एक बार एड्रेस बता दीजिए, कहाँ है? एड्रेस है कोलियापुरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। और आपके शॉप का नाम? शॉप श्री मारुति ऑटो डेन। श्री मारुति। और ये कितना साल हो गया? मेरे को ये काम करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी भैया। प्रॉपर दुकान यहीं है? यहीं है भैया। और कहीं है दुकान आपका? और नहीं है ना? नहीं। तो इसके पहले जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे थे तो कहीं और काम करते थे? जी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो सबसे पहले कौन सा गाड़ी दिखाने वाले आप हमें? ये DI है, 4260 DI। DI दिखाओगे ना? 10 मॉडल है। हाँ हाँ। इसका रेट है 2,80,000 रुपये। 2,80,000। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये गाड़ी? चली 1,80,000 किलोमीटर जी। इसमें फाइनेंस नहीं हो सकता, बाकी पेपर A to Z कम्प्लीट है। और जैसे कि बाहर से लेना होगा कोई, छत्तीसगढ़ से दूर से आएंगे तो ले सकते हैं ना? जी भैया, सब कोई दिक्कत नहीं, सब गाड़ी NOC भी NOC सब कंप्लीट है। अच्छा, ऐसा है ना। और ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है ना। तो गाड़ी पूरा कंप्लीट ओके है? कंप्लीट है। और इसमें कुछ फीचर्स वगैरह होगा तो आपको कुछ बताओ? कुछ फीचर्स इसमें कुछ नहीं है, बट ये है कि गाड़ी जो ले जाएगा उसको खर्चा करना नहीं पड़ेगा, A to Z कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट है जी, ले जाओ पैसा। अच्छा हाँ, तो गाड़ी का हम पूरा कंप्लीट देख ही सकते हैं आप। ये वैसे गाड़ी कहाँ की भैया? ये धमतरी पासिंग का था मेरे पास। धमतरी पासिंग है। तो ये गाड़ी पूरा कंप्लीट है। और साथ ही अगर आपको लेना होगा दोस्तों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भैया का मिलेगा, तो आप नंबर वहाँ जाके भी कॉल करके यहाँ आ सकते हैं। और जैसे कोई आसपास दिखाना होगा दिखा सकते हैं जी भैया? दुर्ग तक लोकेशन रहता है अपना, दुर्ग तक दिखला सकते हैं अपना गाड़ी। इसके बाद कौन सा गाड़ी दिखाने वाले? ये टाटा एस है। ये टाटा एस देखते हैं, ये कौन सा मॉडल है? 2013 मॉडल है ये गाड़ी। चली 80,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। इसका रेट है 1,70,000 रुपये। पेपर कम है। सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर। ये गाड़ी कहाँ का है? रायपुर का। रायपुर का जी। कितना बोले प्राइस? 1,70,000। 1,70,000। तो गाड़ी का पूरा हम राउंड करके देखते हैं एक बार, पूरा कंप्लीट है गाड़ी का, पूरा आगे पीछे देख लेते हैं। तो चलो ये देखिए पूरा पीछे से थोड़ा। और जैसे कि ये लेना होगा तो आप ज़रूर यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, साथ ही भैया का नंबर, नाम, सभी एड्रेस पता सभी यहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अंदर का भी कुछ देखिए, सभी कंप्लीट है, ओके है। और यहाँ गाड़ी आपको डिमांड में भी मिल सकता है ना भैया? तो इसके बाद एक और गाड़ी है, यहाँ देखते हैं। बाकी गाड़ियाँ थोड़ा कुछ काम से गया हुआ है तो ये गाड़ी देखते हैं। तो भैया ये वाली गाड़ी कौन सी है? ये है टाटा एरिस है, जीप। जीप। ये कौन सी मॉडल है? ये है 15 की मॉडल है। इसमें पेपर वेपर सब कंप्लीट है, इंश्योरेंस फिटनेस सब कंप्लीट है। इसका रेट है 1,70,000। ये कितना किलोमीटर चला हुआ? ये चला है 37,000 किलोमीटर। 37,000 किलोमीटर। और ये सेम मॉडल है क्या दोनों में? नहीं, हाँ दोनों मॉडल, ये पुराना मॉडल है, ये न्यू मॉडल है। इसका कौन सा बोले? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कौन सा मॉडल बोले? ये 13 मॉडल है। 13 मॉडल। ये न्यू में आया है ना? ये 16 की मॉडल है। तो चलो ये गाड़ी का भी अंदर देख ले। देखिए साइन भी मार रहे हैं, ब्लू कलर में है, नेवी ब्लू में। तो ये गाड़ी है रायपुर की पासिंग बताए भैया, तो इसको आप हम अंदर से भी थोड़ा दिखा देते हैं। तो चलो देखते हैं अंदर का गाड़ी वगैरह। तो लॉक हो गया शायद, यहीं से देखिए थोड़ा पास जाके हम दिखा देते हैं। देखिए पूरा कम्प्लीट है, ओके है। और बाकी पीछे का थोड़ा एक बार राउंड कर, टायर वगैरह तो सभी न्यू है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा भैया, गारंटी दी है इसका। और इसके वजह से आपके पास गाड़ी आती रहती है ना? आते रहती है, अभी और गाड़ी आएगी, 3 गाड़ी। अच्छा, गाड़ी और आएगी। कौन कौन सी गाड़ी बता? टाटा ऐसी आएगी। टाटा ऐसी रहेगी। तो आप एक बार और बता दीजिए नाम वाम, ऐसे में कोई आना होगा तो। मेरा नाम भूपेश साहू है, मैं यहीं रहता हूँ कोलियापुरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, मेरा एड्रेस है, ये ऑफिस है मेरे पीछे। एक बार ये एड्रेस कुछ लोकेशन आए? लोकेशन NK ऑफिस के जस्ट सामने। NK ऑफिस के जस्ट सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी वीडियो और आपको मिलेंगी इसी तरह की सेकंड हैंड गाड़ियाँ। साथ ही हम अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।